इंडिया के अंदर सिरेमिक एंड टाइल्स कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। ऐसा एनालिस्ट का मानना है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री 15-20% की दौर से ग्रो कर सकता है, और जिस तरह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रहा है तो टाइल्स का डिमांड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्सारो टाइल्स के बारे में, जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जैसे कंपनी के बारे में एक्सपेंशन प्लान जो रिसेंटली कंपनी ने किया है वो क्या लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा या नहीं, कंपनी का कर्जे का क्या सिचुएशन है, रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह से हो रहा है और मार्जिन का प्रेशर किस तरह से कंपनी को थोड़ा सा इफेक्ट डालने वाला है नियर टर्म फ्यूचर में। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सारी चीज। सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। कुछ दिन पहले ही एक्सारो टाइल्स ने यहाँ पे मिस्टर अजय देवगन इंडिया का सुपरस्टार को यहाँ पे एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऐड कर चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लॉन्ग टर्म के अनुसार हुआ है, तो एक्सारो टाइल्स के अंदर लॉन्ग टर्म में आपको मिस्टर अजय देवगन यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर रह सकता है। उसके बाद दूसरा जो अच्छी बात है कंपनी के अंदर रिसेंटली एक्सपेंशन का, ये आप लोगों ने सुना होंगे कि 18 अक्टूबर को यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है जो कंपनी का एक्सारो टाइल्स वर्टिकल है वहां पे कंपनी यहाँ पे नया एक्सपेंशन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कंपनी के पास कैपेसिटी है। तो सिरेमिक टाइल्स की बात करें उस पर्टिकुलर फील्ड में कंपनी का जो एनुअल जो कैपेसिटी है वो है 3.60 मिलियन स्क्वायर मीटर पर ईयर। तो ये कंपनी का कैपेसिटी है सिरेमिक टाइल्स के अंदर, उसमें से 85% कंपनी यूटिलाइज करते हैं, हमेशा कभी भी 100% यूटिलाइज नहीं होता है। उसके बाद टाइल्स की बात करें तो टाइल्स के अंदर 13.20 मिलियन स्क्वायर मीटर का यहाँ पे कंपनी के पास कैपेसिटी मौजूद है जो Q1 2023 में कंपनी यहाँ पे डिस्क्लोज किया था। उसके बाद जो तीसरा सेगमेंट कंपनी के पास है वो है 45 टाइल्स। तो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपनी के पास 9.60 मिलियन स्क्वायर मीटर का एनुअली कंपनी के पास कैपेसिटी था। तो इस जो पर्टिकुलर वर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंपनी अपना जो प्लांट है उसको थोड़ा सा एक्सपेंशन कर रहा है। तो 9.60 से कंपनी क्या कर रहा है, इसको 11 मिलियन स्क्वायर मीटर पर ईयर एनएम के हिसाब से यहाँ पे कंपनी अपना एक्सपेंशन यहाँ पे किया है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि कंपनी का जो एक्स्ट्रा 250 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है ये एक्सपेंशन, ऐसा कंपनी का मानना है। तो ये जो एक्सपेंशन किया गया है उसके कारण कंपनी को 30 करोड़ के आसपास कंपनी को खर्चा करना पड़ा है, और इससे बेनिफिट कितना होगा, 250 करोड़ एनुअल कंपनी को इनकम हो सकता है अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। तो करीब 85% भी होता है तो करीब 220 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट होते हुए दिखाई देगा। और ये जो एक्सपेंशन किया गया है ये ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है 18 अक्टूबर को, तो इसका जो सेल होगा तो आपको दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखने को मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपनी का रेवेन्यू के बारे में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि कंपनी का सेल यहाँ पे ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे सितंबर के अंदर कंपनी ने 73 करोड़ के आसपास अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो जो लेटेस्ट क्वार्टर है यानी कि जो लास्ट क्वार्टर है वहां से कंपनी ने यहाँ पे ग्रो किया है, लेकिन लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ये अप एंड डाउन सिचुएशन दिखाई दे रहा है। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए तो वहां पे बुरी तरीके से पीट गया है। हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा ग्रो है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस आप कंपेयर करते हैं तो अच्छा खासा कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि पहले जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12 से लेकर 16 तक हुआ करता था यानी कि 19 भी कभी कभी देखने को मिलेगा, वो यहां पे गिर के 9.65% में आ गया है जो लास्ट क्वार्टर से भी यहां पे डाउन है। तो मार्जिन यहां पे इफेक्ट होगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में इफेक्ट होगा तो शेयर प्राइस में ऑटोमेटिकली इसमें डाउन टर्म आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ोतरी है लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो हालांकि कंपनी सेल अच्छा खासा कर रहा है, लॉन्ग
लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिली जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी अच्छा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन है उसका प्रेशर अभी भी यहाँ पे बरकरार है, उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो है कंपनी के ऊपर कर्जा, वो बहुत चिंता के विषय है क्योंकि कंपनी एक वेरी स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप करीब 560 करोड़ के आसपास है। उस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 90 करोड़ का कर्जा है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि जो लास्ट मार्च 2022 का रिपोर्ट देखेंगे तो उस टाइम कंपनी के ऊपर 57 करोड़ का कर्जा था, वो बढ़ के कितना हो गया है 90 करोड़। तो इसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो एनुअली करीब करीब आपका 1 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो यहाँ पे डिडक्ट होता है। और ये जो 90 करोड़ कर्जा हुआ है वो बेसिकली एक्सपेंशन के कारण हुआ है, तो फ्यूचर में इसका इफेक्ट आपको रेवेन्यू के अंदर देखने को मिलेगा, उसके कोई दोहरा ही नहीं, लेकिन 90 करोड़ की कर्जे के कारण कंपनी को यहाँ पे देख पा रहे कंपनी को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। तो पहले ये 1 करोड़ के आसपास था, कर्जा कम कर दिया था, कर्जा बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। अगर कर्जा नहीं होता तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो 3 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता था। तो ये कुछ पॉइंट है जो एक्सएल टाइप्स के अंदर आपको देखना चाहिए, कुछ कुछ अच्छी बात है, कुछ कुछ नेगेटिव बात है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो है कंपनी का मार्जिन, उसको सॉरी कंपनी का जो पीई रेशियो है उसको भी आप ध्यान दीजिए निवेश करने से पहले। तो हाल ही में कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुए वो तो पता होगा, तो उसके बाद प्राइस के ऊपर थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन अगर आप पीई रेशियो देखेंगे वो नीचे से कितना ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, उसके उससे पता चल कीजिए, तो उससे पता चलता है कंपनी थोड़ा सा ओवर प्राइस है या थोड़ा सा प्रीमियम में है या थोड़ा सा डाउन साइड है, तो उसको रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो।